बात करेंगे वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की, जिन्होंने कहा कबायली इलाकों के इंजमाम का मकसद यहाँ के मकामी अफराद को मुल्क के दीगर इलाकों की तर्ज पर सहूलियात फराहम करना है, जिसके लिए मौजूदा हुकूमत ने रिकॉर्ड फंड्स मुहैया किए हैं। वजीर आजम ने इन ख्यालात का इजहार खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई कबीना अरकीन से मुलाकात के दौरान किया। पेशावर में होने वाली इस मुलाकात में गवर्नर शाह फरमान, वजीर आला महमूद खान, चीफ सेक्रेटरी आईजी पुलिस और सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान का कहना था मौजूदा हुकूमत ने इंजमाम शुदा इलाकों के लिए रिकॉर्ड फंड्स मुहैया किए और इन इलाकों में नौजवानों के लिए रोजगार के मौके फराहम करना हमारी अवलीन तरजीहात में शामिल है। बदकिस्मती से माजी में कबायलियों को नजरअंदाज किया गया। कबायली इलाकों के इंजमाम का मकसद यहाँ के मुकामी अफराद को मुल्क के दीगर इलाकों की तर्ज पर सहूलियात फराहम करना है। वजीर आजम इमरान खान ने सूबाई इंतजामिया को साबका कबायली इलाका जात में कारोबार के मौके बढ़ाने पर तवज्जो देने की हिदायत करते हुए कहा कि इससे इलाके में रोजगार के मौके और समाजी और मुआशी तरक्की होगी। वजीर आजम ने अरकान को बताया कि सऊदी अरब ने सियाहत के शोबे में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार किया। अरकीन से मुलाकात में वजीर आजम का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई पर अवाम ने दोबारा एतमाद का इजहार करके ज्यादा जिम्मेदारी आयद की है कि हुकूमत अवाम की भरपूर खिदमत करे।